इकलौती ऐसी जगह है जहाँ अमीर गरीब हर कोई आ सकता है, ये हर बंदे के लिए एक्सेसिबल है। किसी के लिए ऐसा नहीं है कि यार आप नहीं आ सकते, किसी के लिए बंद नहीं है। हर मजहब के लोग आते हैं, हर धर्म के लोग आते हैं, हर कास्ट के लोग आते हैं, हर जाति के लोग आते हैं, किसी के लिए ये जगह कभी भी बंद नहीं है। और अभी यार एक इंटर शूट करा था, पता लगा मेरा शॉटगन माइक जो है खराब हो चुका है, सॉरी। तो अभी कहाँ जा रहे हैं, थंबनेल टाइटल देख के आप लोग समझ चुके हैं अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो सीधा अभी चलते हैं बाइक पे, बाकी बातें आपसे इंशाल्लाह रास्ते में करेंगे। बाकी वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है। सपने तू बनता, कुछ के लिए बना दीवाना, कुछ के लिए पागल, कुछ के लिए अभी अनजाना, तेरे लिए मैं क्या। सागर पर कदम पड़े लिए जो बदन, चले वहां जहां ले जाए, जहां ले जाए, डूबा जाए, डूबा डूबा मेरा दिल जो दिखाए, आशिकी की एक कसम तू खिलाए, डूबा डूबा मेरा दिल डूबा जाए। पार्किंग किधर बनाई हुई है? पार्किंग आ गया भाई, पार्किंग आ गया है, पार्किंग आ गया। जाम भी हो रहा है देखो, इधर कार लगी हुई है, टू व्हीलर भी लगी हुई है, देखते हैं क्या चार्ज रहेगा पार्किंग का। खैर तो भाई ये देखो, ये लॉन्स जो है रिनोवेट हुए हैं, अभी ये देखो ये री पार्किंग। थोड़ा आगे लिया था तो आराम से और अच्छी पार्किंग जगह मिल जाती, लेकिन छोड़े। खैर ये पार्किंग है, मेन पार्किंग का स्पेस है आपका, और ये और इसको रिनोवेट किया है, कैसे करा है अभी हम आप लोग दिखा देते हैं। इसका एक ओवरव्यू ले लें आप, बहुत बड़ी वाटर कैनाल है। अभी यहाँ से अंडरपास भी देखेंगे, अंडरपास की तरफ जाएंगे, वहाँ जाके भी आपको दिखाएंगे। अच्छा ये जो बने हैं अभी जहाँ हम जा रहे हैं, के लिए बना दीवाना, कुछ के लिए पागल, कुछ के लिए अभी अनजाना, मेरे लिए मैं क्या। देखे ना इधर तेरे इतनी ना फिकर, चले वहाँ जहाँ ले जाए हम, जहाँ ले जाए हम। डूबा जाए, डूबा डूबा मेरा दिल जो दिखाए, आशिकी की एक कसम तू खिलाए, डूबा डूबा मेरा दिल डूबा जाए, दिन डूबा जाए, डूबा डूबा मेरा दिल जो दिखाए। तो भैया कैमरे की सेटिंग करके फिर से आपका भाई वापस आ चुका है, सॉरी अगर आप लोगों को लाइटिंग में दिक्कत हुई हो, थोड़ा सा कैमरा मेरा डिस्टर्ब हो गया था। तो खैर अभी ये कैनाल वगैरह आपको दिखाएंगे, मैंने अभी थोड़ा सा पहले भी शूट करा था, और ये देख सकते हो कितना ऑसम व्यू आ रहा है। ठीक है सामने देखो, यहाँ फाउंटेन लगाया है बीच में, ये पहले नहीं था अब लगाया है, ठीक है। और मुझे आज तक याद है, कभी हम यहाँ पे आते थे पहले, बहुत आते थे, और इसी कैनाल में बच्चे थे कच्छों में नहाते थे, तो वो चीज़ जो है थोड़ी सी बेटर हुई है। ठीक है अभी अंडरपास पे भी लेके चलेंगे, वहाँ भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मेरे हिसाब से सॉल्व हुई है वो ये रोड क्रॉस करने की। मैंने देखा था अभी थोड़े दिन पहले, एक वीडियो में भी देखा था, अभी मैं एक आध वीडियो भी एक्सप्लोर करी है मैंने एक दो यूट्यूबर्स की, कि भाई क्या क्या हुआ, क्या क्या दिखाया जाए, क्योंकि मैंने पहले ही प्लान कर लिया था कि जितनी वीडियोस मैंने देखी वो दिन की थी, खैर दो वीडियोस देखी थी, तो क्या दिखाया जाए। तो उसमें मैंने देखा कि यार अंडरपास इज मस्ट, पता नहीं यार बाल बाल कैसे हो रहे, मेरा तो सामान ही बैग में से गायब होते रहते। तो खैर ये जो है अभी फ़िलहाल अभी हम जिधर आ गए हैं ये है अंडरपास। ओए भाई साहब, बेटे की जान, ये है भीड़।
तो खैर अंडरपास पे, तो अंडरपास के अंदर तो बहुत भीड़ है मेरे दोस्त। आशिकी की कसम तू खिलाए, ताकि ओके ओके लाइटिंग मिल सके। और तो ये है जो है आपके सामने, बाहर तो बड़ी भीड़ लग रही थी, क्या है, चलो सब देखते हुए चलते हैं। द मेकिंग ऑफ द न्यू कैपिटल दिल्ली के बारे में, ठीक है ना, कब से कहाँ क्या हुआ, ठीक है, राजपथ की कंस्ट्रक्शन कैसे हुई, ठीक है ना, इंडिया गेट की कंस्ट्रक्शन का दिखा रखा है यहाँ पे, तो ये भी देख सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी चीज़ है, शोर बहुत है, तो कोशिश करूँगा अच्छे से कवर करूँ। उसके आगे जो है एवोल्यूशन ऑफ द न्यू कैपिटल, ये वही सारा इनॉग्रेशन हुआ, इसमें नया अपार्टमेंट था, नया राष्ट्रपति भवन था, सब कुछ नया था, नया जो एवेन्यू था, अब तो खैर रिनोवेट हो रहा है, आगे कैसे लेगा, इंडिपेंडेंस के बाद ऐसा कैसा दिखता था, ऐसे देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो है कर्तव्य पथ का डेवलपमेंट का क्या प्रपोजल है, क्यों बनाया है कर्तव्य पथ, खैर अभी प्रेजेंट टाइम पर जिस कैनाल मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ अंडरपास के अंडर, ये बिल्कुल अभी हम लोग जो है एग्जैक्ट CX Second के नीचे है। CX Second क्या है, जो इंडिया गेट का मेन सर्कल है उसके नीचे अभी हम लोग मौजूद है, और अंडरपास बहुत अच्छा बनाया है, इससे लोगों को रोड क्रॉस करने में दिक्कत नहीं होगी और काफ़ी आसानी हो जाएगी। बाकी लोग आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं यार, एक लोगों की पिकनिक स्पॉट थी, एक लोगों की पिकनिक स्पॉट जो है वो वापस रिस्टोर हो गई है, क्योंकि यार इंडिया गेट एक ऐसी, ये मेरी वीडियो का मेन डायलॉग है, इंडिया गेट इकलौती ऐसी जगह है जहाँ अमीर गरीब हर कोई आ सकता है, ये हर बंदे के लिए एक्सेसिबल है, किसी के लिए ऐसा नहीं है कि यार आप नहीं आ सकते, किसी के लिए बंद नहीं है, हर मज़हब के लोग आते हैं, हर धर्म के लोग आते हैं, हर कास्ट के लोग आते हैं, हर जाति के लोग आते हैं, किसी के लिए ये जगह कभी भी बंद नहीं है, ठीक है ना। आप आए आराम से बैठें, इन्जॉय करें, अपनी फैमिली के साथ हैं, और सबसे बड़ी बात ये फैमिली प्लेस है, फैमिली पिकनिक प्लेस है, तो फैमिलीज़ के लिए ये जगह बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। आगे आपको दिखाते हैं, थोड़े से टाइम लैप्स लेंगे, आगे दिखाएंगे कैसा लग रहा है एग्जैक्टली, फ़िलहाल मैं कहाँ हूँ, मैं हूँ फ़िलहाल बिल्कुल इंडिया गेट के आगे। ओए होए होए क्या लुक आ रहा है, दरअसल लुक आपको हट के दिखाएंगे हम, खैर अभी आपका भाई जिस पॉइंट पर खड़ा है, ये इंडिया गेट का सबसे ज़्यादा फेमस पॉइंट है, फेमस क्यों है मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हर बंदा आता है सेल्फी खींचने के लिए, स्पेशली टूरिस्ट जो होते हैं दिल्ली के बाहर के लोग, दिल्ली वालों के लिए तो भाई बहुत एक नॉर्मल सी बात है, हमें मेरे को ऐसा लगता है इंडिया गेट एक नॉर्मल सी प्लेस है, लेकिन यार यहाँ पे आके हमेशा जितनी बार भी आप यहाँ विज़िट करो तो हमेशा एक अलग ही वाइब आती है, अलग ही फीलिंग आती है, क्यों यार यहाँ पे खड़े हो के आप देखो तो भाई एक ऑसम सा लुक आता है यार नीचे खड़े हो, मतलब अब ये समझ लो मैं क्या लुक ले पा रहा हूँ, मैं कुछ इस तरह से इंडिया गेट को देख पा रहा हूँ, ठीक है, लाइटिंग के साथ तो भाई ओपी, ठीक है, ओपी लुक आ रहा है, ओपी 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 यार, क्या मज़ा आ जाएगा सिनेमैटिक्स देख के। एक चीज़ सौ देख लो, सख्ती बहुत है, मतलब कोई ऊट पटांग घर का तो आप लोग कर नहीं सकते जिस हिसाब की सख्ती कर रखी है, सही है, अच्छी बात है भाई, जब तक स्ट्रिक्टनेस नहीं होगी डिसिप्लिन नहीं आएगा, डिसिप्लिन नहीं आएगा तो क्या होगा। खैर ये ऐतिहासिक फाउंटेन है, आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, और यहाँ हमारा तिरंगा लग जाता है, उसकी तो खूबसूरती एक अपने आप में ही चार चांद लग जाते हैं। मैं चाहता तो आपको थोड़ा सा आगे जाके दिखाता लेकिन जा नहीं सकता अनफॉर्चुनेटली, तो इसीलिए आप एक जूम से काम चला लीजिए। तो अभी ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्टैचू लगाई है, और यहाँ से जा रही है इनको लाइट, और बहुत ही अच्छा लग रहा है स्टैचू में, जैसा होता है नॉर्मल वैसे ही है, लेकिन लाइटिंग के साथ एक अलग ही चार चांद आ रहे हैं इस पर, लाइटिंग इस पर वाकई में लाजवाब तरीके से करी है। हाँ जी हेलो जी, क्या हाल है, आज हम लोग आए हुए हैं इंडिया गेट, और थंबनेल टाइटल देख के आप लोग वीडियो का आइडिया तो लगा चुके होंगे आज क्यों आए हुए हैं। आज सोचा कि यार एक राउंड मारा जाए, बहुत टाइम हो गया क्या यार आपको एक अच्छी सी वीडियो दिए हुए,
तो इंडिया गेट आए थे, आपको वीडियो भी दिखाई। अच्छा, दो तीन बातें कर लेते हैं, क्या क्या फ़ायदा है आने का, कैसे आ सकते हैं, और पार्किंग की फैसिलिटी है नहीं है, मेट्रो से आना है, कितना दूर पड़ता है मेट्रो स्टेशन से, कैसे है, पैदल घूम सकते हैं, करने के लिए क्या है, खाना पीना एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं यार सवाल थे जब भी आप लोगों ने वीडियो खोली, अगर आप लोगों को पता होता तो आप डायरेक्ट आ ही जाते। तो खैर, दो तीन आपके डाउट्स मैं क्लियर कर देता हूँ। पहली बात तो ये है, कैसे आ सकते हैं, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आपको यहाँ पे रहेगा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, केंद्रीय सचिवालय, वहाँ से आप लोग आ सकते हैं। येलो लाइन का है, बहुत इजीली एक्सेसिबल है, और दो तीन लाइन वहाँ से, दो लाइन मेरे ख्याल से हैं येलो लाइन के अलावा, मेरे ख्याल से शायद वायलेट लाइन है जो वहाँ से इंटरचेंज होती है, तो आप बहुत ईजीली आ सकते हैं। कितनी दूर पड़ेगा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से आप मेन इंडिया गेट पे, आपको मुश्किल से मुश्किल 1.25 किलोमीटर की वॉकिंग है, मतलब आप आओगे तो मेन आपको राजपथ पे आ जाओगे। खैर, राजपथ का नाम भी अब चेंज हो गया है, अब इसका नाम हो गया है कर्तव्य पथ। थोड़ा टाइम लगेगा मुँह पे चढ़ने में, लेकिन खैर कर लेंगे हर चीज़। इतनी सारी चीज़ों की डाली तो यार इसके लिए डालने में क्या बुरी बात है। तीसरी बात, कैसे आ सकते हैं, बाय रोड आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं आप, मयू मयू आ जाएँ, 11 नंबर की बस अल्लाह तारा ने आपको दिया, आ सकते हैं उससे। नहीं तो आप लोग अपना टू व्हीलर लेकर आएँ, फोर व्हीलर लेकर आएँ, पार्किंग ईजीली एक्सेसिबल है, पार्किंग का फिलहाल तो कोई चार्ज नहीं है जितना मुझे पता लगा है, और मैं भी ऐसे ही लगा कर आ गया, कुछ खैर चार्ज मेरे ख्याल से है नहीं। और पार्किंग काफ़ी बड़ी है, वास्ट है। टिकट का क्या प्राइस है, कोई टिकट का प्राइस नहीं है, ऐसे ही आ सकते हैं आप लोग। क्या क्या और क्या क्या कर सकते हैं, फैमिली के साथ आएँ, टाइम स्पेंड करें, लॉन्स हैं, बहुत अच्छे लॉन्स हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। रात को मैं जानकर आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे रात को आने की एक अलग ही फीलिंग होती है। रात को आओ यार, लाइटिंग भी अच्छी रहती है और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है, सुकून वाली जगह है, काफ़ी सुकून हो गया है और बहुत अच्छा लगता है आके। यहाँ पे एक जहन को आपके एक अलग ही सुकून मिलता है, जहनी सुकून मिलता है, तो आप इसलिए रात को भी आ सकते हैं, फैमिली के साथ आ सकते हैं, खाना पीना अपना करें। पता नहीं, फिलहाल मुझे नहीं पता यहाँ पे खाने पीने दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, लॉन्च में बैठे हुए तो मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, लेकिन खाना पीना आई डोंट नो, फिलहाल अभी है नहीं है। दूसरी बात, पहले यहाँ पे आइसक्रीम के कभी स्टॉल्स वगैरह लगते थे, अभी फिलहाल उसका कुछ नहीं पता, हो सकता है आने वाले टाइम में लगे, क्योंकि भाई उन लोगों की बेचारों की रोजी रोटी है, थोड़ा टाइम तो लोग वहीं खड़े रहे इंडिया गेट के मेन सर्कल पे, वहाँ पे भी काफ़ी उनकी अच्छी ठीक ठाक सेल रही होगी, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पे खाने पीने का कोशिश नहीं है। पानी भी मेरे को कहीं अभी फ़िलहाल दिखा नहीं, वॉशरूम वगैरह बने हुए और टॉयलेट वगैरह, आप अगर फ्रेश वगैरह होना हो तो उसके लिए भी आप इजीली यहाँ पे आ सकते हैं, कोई आपको उसके लिए दिक्कत नहीं होगी। खाने पीने का अपना देख लें थोड़ा बहुत, अगर आप लोग स्नैक्स वगैरह जिम में अपने बैग में रख के लाना चाहो तो ला सकते हो, वो भी देख सकते हो। और पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन क्या है, पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन मेन तो ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो अभी तैयार हो रहा है, इंडिया गेट है, इंडिया गेट की लाइटिंग हो गई है, पीछे आप जा सकते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो नई प्रतिमा लगी है, जो उनका स्टैचू लगा है उसको देख सकते हैं, फाउंटेन्स हैं, लाइटिंग है, सब कुछ आप आराम से यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। एक बहुत पीसफुल सा माहौल हो गया है, लाइटिंग बहुत अच्छी कर दी है इन्होंने, देखने में काफ़ी अच्छा हो गया है, जगह सुंदर हो गई है, डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई हैं, तो आप उसको काफ़ी आराम से अच्छे से इन्जॉय कर सकते हो, आ सकते हो, और अपनी फैमिली के साथ ज़रूर आएँ यहाँ पे, इन्जॉय करें, देखें। और ये जो मेन जगह है आपकी फैमिली प्लेस ही है, तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है तो दिस इज़ द मस्ट विजिट प्लेस। क्या मैं रिकमेंड करूँगा, दिन में भी आ सकते हो, रात में भी आ सकते हो, ज़्यादा मेरा रिकमेंडेशन है रात को, फिलहाल का मौसम तो भाई यही कहता है, ठंडी ठंडी हवा खानी है, रात को चलो भाई खाना खाए और पहुँच गए इंडिया के, थोड़ा अपना जाओ इन्जॉय करो, बैठो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, मज़ा आएगा। खैर, आज की वीडियो यहीं तक की थी, अगर वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर करना, नए हो तो चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं, बेल आइकन दबा देना यार, और वीडियोज आती रहेंगी। चैनल का क्या चल रहा है भाई, वकार भाई जिधर चल दिए चैनल उधर चल दिया, तो इंशाल्लाह आगे मेरी कई वीडियोज़ प्लान में हैं, दो डॉक्यूमेंट्रीज भी खैर से प्लान कर रहा हूँ, दुआ करें। एक डॉक्यूमेंट्री लिखी थी और उसकी स्क्रिप्ट मुझसे खो गई है, लिखित खोने का कोई अल्लाह ने करे गम नहीं है, सारा जहन में है, तो इंशाल्लाह उसको फिर से लिखेंगे, उसके ऊपर काम शुरू करेंगे, और अल्लाह ने चाहा तो ये मेरे एग्ज़ाम्स खैर के साथ पूरे हो जाए इंशाल्लाह, उसके बाद आपको नवंबर तक डॉक्यूमेंट्री भी इंशाल्लाह मिल जाएगी अल्लाह ने चाहा तो। किस चीज़ के ऊपर डॉक्यूमेंट्री होगी उसके लिए आप सस्पेंस करें, आएगी इंशाल्लाह अच्छी। तो यार चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा देना, ट्रैवल वीडियोज़ भी आती रहेंगी इंशाल्लाह आपसे रेगुलर। और नहीं यार, कुछ कहीं आपसे कमी रह रही हो, कुछ छूट रहा हो तो आप रिकमेंड भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे मुलाकात होगी एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।